हेलो मेरे भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की एडिटिंग हमारी 15 अगस्त पर होने वाली है, जो कि आप फोटो को देख सकते हैं, काफ़ी औसम दिख रहा है। तो इस तरह की एडिटिंग आप कर सोशल मीडिया पर धमाल मचा सकते हैं। तो इस तरह की एडिटिंग करने के लिए आपको पिक्सआर्ट ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। आप इस तरह की एडिटिंग करने के लिए हमारे वीडियो को फुल वॉच कीजिए, तभी आपको यह इस तरह की एडिटिंग समझ में आएगी, वरना आप कहीं पर स्किप कर देंगे तो आपको एडिटिंग समझ में नहीं आएगा। चलिए हम पिक्सआर्ट ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो मेरे भाई, इस फोटो को पिक्सआर्ट के अंदर ले आएंगे। इस फोटो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहां पर टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको यहां पर क्रॉप वाला ऑप्शन दिख रहा है तो इस पर क्लिक कर देंगे। आप यहां पर पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, जिसकी हमारी फ़ोटो साइज़ पर आ जाएगी। आप यहाँ पर एड वाले फ़ोटो पर क्लिक कर देंगे तो इस फोटो को, आप जिस फोटो को एडिट करना चाहते हैं उसको पहले एड कर लेंगे। मैंने इसका पीछे का बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। तो इसको अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। इतना कर लेने के बाद डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इतना कर लेने के बाद फिर से एड फोटो पर हम जाएंगे। यहाँ पर बैकग्राउंड वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। आप वाइट कलर सेलेक्ट कर लेने एड कर लेंगे। हम अपने शर्ट को वाइट करेंगे। अगर आपकी शर्ट पहले से ही वाइट है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है तो फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि कैसे करेंगे। इरेजर वाला, आपको यहाँ पर इरेजर वाला ऑप्शन दिख रहा है तो इस पर क्लिक कर देंगे। इन्वर्ट पर क्लिक कर देंगे, इसको साइज़ को छोटी बड़ी कर लेंगे अपने हिसाब से। हम इस कलर को शर्ट पर अप्लाई कर देंगे। अपने सर पर अप्लाई करने के बाद डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर से डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर से आप टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको एडजस्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। आप ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे, क्लैरिटी को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे, सेचुरेशन को माइनस कर देंगे और हाईलाइट को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। आप यहां पर इरेजर वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर से इन्वर्ट कर देंगे। अब यहां पर पेंसिल वाला ऑप्शन दिख रहा है, अब हम अपने फेस पर इसको अप्लाई कर देंगे, इससे हमारा फेस हो जाएगा गोरा। तो इतना कर लेने के बाद डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर से डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर से एड फोटो पर जाएंगे। इस वाले पीएनजी पर क्लिक कर देंगे। इस पीएनजी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको अपने हिसाब से सेट कर लेंगे जितना करना चाहें आप। इतना कर लेने के बाद आप लोग इरेजर वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे, इन्वर्ट कर लेंगे, पेंसिल वाले ऑप्शन पर जाएंगे, हार्डनेस को कर दीजिए 85 कर दीजिए। फिर हम अपने शर्ट पर अप्लाई कर देंगे इस कलर को। वीडियो को ज़्यादा लंबी न करते हुए वीडियो को थोड़ा सा कर देंगे कट। तो इतना कर लेने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे फ्लैग का कलर आ चुका है, हमारे शर्ट पर अप्लाई हो चुका है। तो डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर से डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर से एड फोटो पर चले जाएंगे। इतना करने के बाद इस फ्लैग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐड कर लेंगे। आप इसी तरीके से
सेटअप कर लेंगे इस पर। इरेजर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। हम इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा कट कर लेंगे जिससे हमारा रियलिस्टिक लगे, फेक ना दिखे। जिसे आप देख सकते हैं कि यह प्ले को पकड़ा हुआ है, जिससे हमारा फेक नहीं दिख रहा है। डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, फिर से डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर से हम एड फोटो पर जाएंगे, इस ब्लर वाले ऑप्शन का पर क्लिक कर देंगे, अपने आप सेटअप कर देंगे अपने हिसाब से। इरेजर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, आपको जहां पर अच्छा ना लगे वहां पर थोड़ा थोड़ा इरेज कर दीजिए। डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, फिर से डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। एड फोटो पर जाएंगे, इस मिक्स कलर को सिलेक्ट कर लेंगे, एड कर लेंगे अपने हिसाब से, इसको कर लेंगे। इतना कर लेने के बाद आप फिर से एड फोटो पर जाएंगे। एड फोटो पर जाने पर ये आपको टेक्स्ट दिख रहा है इंडिपेंडेंस डे का और यहाँ पर जय हिंद का, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से जहाँ पर इसको रखना चाहिए वहाँ पर रख लीजिए, जितना छोटा बड़ा करना चाहे उतना कर लीजिए। आप इसको भी अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, जिससे हमारी फ़ोटो बनकर रेडी हो चुकी है। तो इस तरह की आप एडिटिंग कर सोशल मीडिया पर धमाल मचा सकते हैं।